राम राम। समय हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, कांतारा मूवी की सक्सेस के बाद इसके जो अगले पार्ट का मतलब अगले चैप्टर का काफी टाइम से वेट चल रहा था और फाइनली आज कांतारा अ लेजेंड चैप्टर वन फर्स्ट लुक वीडियो आ चुका है। और इस मूवी में है ऋषभ शेट्टी सर और इसे डायरेक्टर रिटर्न भी किया है ऋषभ शेट्टी ने। तो सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। So guys, ये था वीडियो मतलब फर्स्ट लुक और लिटरली गूस बम्स जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट हुआ। और मतलब जो लुक दिखाया ऋषभ शेट्टी का मतलब खतरनाक सा, ऐसा लग रहा है कि साक्षात शिव मतलब सामने खड़े, उनके पीछे त्रिशूल है, इतने लंबी लंबी इतने मतलब लंबे लंबे बाल है उनके और आंखों के अंदर वो मतलब एक अलग टाइप का, वो बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा इसको कैसे ये क्या बनाया क्या इन्होंने, क्योंकि कांतारा इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई थी, उसका म्यूजिक है उसमें जो एक्टिंग स्पेशली जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने की थी ना, और जो स्टोरी थी मतलब ओवरऑल जो कांतारा आई थी वो पूरी मतलब एकदम पैकेज थी। अब जब ये इसका फर्स्ट चैप्टर आने वाला है तो जैसा कि कांतारा में जो लुक दिखाया गया था वो एकदम डिफरेंट था, और अब इसके अंदर जो लुक दिखाया है ना ऋषभ शेट्टी का, आंखों के अंदर जो एक आग दिखाई है ना भाई साहब, मतलब ये अलग ही लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है। क्योंकि कांतारा जिसने देखी ना उनको पता है वो जो क्लाइमेक्स सीन था वो अभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकला है। और बी अजनीश ने उसमें भी म्यूजिक इतना तगड़ा दिया था, और इसमें भी देख लीजिए आप कि बी अजनीश वही अपना वैसा ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मूवी लिटरली कुछ अलग ही लेवल की आएगी, ये आप लिख के लेंगे। सोच कैसे लेते हैं ऋषभ शेट्टी, इस तरह की स्टोरी खुद से लिखी हुई उन्होंने, डायरेक्शन खुद कर रहे हैं और एक्टिंग खुद कर रहे हैं। और वैसे ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जिसके मतलब हर एक म्यूजिक पे यार छोटे छोटे डायलॉग पे घूस बम्स आते हैं, और इसकी जो रोल आती है ना वो उसपे भी मतलब लिटरली घूस बम्स आ रहे थे। और ये मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि ऋषभ शेट्टी इसमें मैं ऐसे एक गेटअप में ऐसे एक लुक में आए, ऐसे एक अवतार में देखने को मिलेंगे। ब्लड दिख रहा है और वो मालाएं और मसल्स, मतलब उन्होंने अपनी बॉडी पे भी काम किया है, तो ये अब देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा। और अभी तक तो ये पूरा एकदम ब्लरी ब्लरी लुक था, एकदम पूरी तरीके से फर्स्ट लुक है। और वैसे मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें ऑडियो में जाते आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे हमने अभी हिंदी में देखा है वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज आपकी है उसे आप सेलेक्ट करके और देख सकते हैं। लेकिन इस फर्स्ट लुक की बात करी जाए तो सच में बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, अब आप ये सोच लीजिए। और गाइस, मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ऋषभ शेट्टी का लुक कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे भी नहीं रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।